इसी ने बड़ी कमाल की बात कही है कि आलसी वही है जिसके जीवन में कोई बड़ा लक्ष्य नहीं है, जो जीवन को जीना नहीं काटना चाहता है। दोस्तों, आज मैं आप लोग के साथ एक ऐसी स्टोरी शेयर करने वाला हूँ जिसके द्वारा आप जानेंगे कि कैसे आलस आपके जीवन में आप पर हावी होता जा रहा है और कैसे आप उसे अपने जीवन से बाहर निकाल सकते हैं। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। एक बार एक नौजवान लड़का एक महात्मा के पास जाता है और उनसे पूछता है कि मुझे आलस क्यों आता है। फिर वह महात्मा लड़के को उत्तर देते हुए कहते हैं, आलस आने के दो कारण हैं। पहला कारण यह कि जीवन में कोई बड़ा लक्ष्य ना होना, और दूसरा कारण है कि हमारा मन और शरीर कैसे काम करता है उसकी समझ ना होना। जिसके जीवन में कोई बड़ा लक्ष्य नहीं है उसके जीवन से तो आलस जा ही नहीं सकता, लेकिन जिसके जीवन में कोई लक्ष्य तो है लेकिन उसे अपने शरीर और मन की समझ नहीं है, वो भी आलस की चपेट में आ जाता है। हमारा मन बहुत ही बड़ा कलाकार है और यह हमें मूर्ख बनाने में ज़्यादा समय नहीं लगाता। अगर तुम ध्यान करना चाहते हो तो यह तुमसे कभी भी ध्यान करने के लिए मना नहीं करेगा, बल्कि यह तुमसे कहेगा कि ध्यान करना ब्रह्म मुहूर्त में सबसे ज़्यादा अच्छा होता है। अब ना तो तुम ब्रह्म मुहूर्त में उठ पाओगे और ना ही तुम ध्यान कर पाओगे। यह तुम्हें धन कमाने के लिए कभी भी मना नहीं करेगा, लेकिन यह तुमसे कहेगा कि धन ही सब कुछ थोड़ी होता है, और यह कभी भी तुम्हारा विरोध नहीं करता, बल्कि यह तुम्हें मूर्ख बनाता है। और कमाल की बात यह है कि आप मूर्ख बनते भी हो। फिर वह लड़का उन महात्मा से पूछता है कि तो फिर इसका समाधान क्या है महात्मा। फिर वह महात्मा जी कहते हैं, जो ये मन तुम्हारे साथ कर रहा है तुम वही इस मन के साथ करो, यानी कि तुम्हारा मन तुम्हें मूर्ख बना रहा है तुम उसे मूर्ख बनाओ। जब तुम्हारा मन तुम्हें कहेगा कि कुछ देर सो जाता हूँ उसके बाद काम करूँगा, तो तुम उसे कहो कि कुछ देर क्यों, ज़्यादा देर सोऊंगा लेकिन उससे पहले काम करूँगा। तुम्हारा मन तुमसे कहेगा आज स्वादिष्ट भोजन खाऊँगा, तो तुम तुरंत उसे कहो कि स्वादिष्ट क्यों, अति स्वादिष्ट खाऊँगा लेकिन उससे पहले एक घंटे व्यायाम करूँगा। फिर वह व्यक्ति उस महात्मा से पूछता है कि लेकिन कब तक मैं अपने मन को मूर्ख बनाऊँ। फिर वे महात्मा जी कहते हैं कि जब तक तुम अपने आलस से मुक्त रहना चाहते हो तब तक तुम्हें अपने मन को मूर्ख बनाते रहना है। फिर वह व्यक्ति पूछता है कि कभी कभी तो ऐसा होता है कि मुझे अफसोस होता है कि मैं अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे भीतर से कुछ करने का मन ही नहीं करता, फिर ऐसी स्थिति में मैं क्या करूँ। फिर वह महात्मा जी कहते हैं कि मन को तो तुम मूर्ख बना सकते हो, लेकिन शरीर को तुम्हें समझाना होगा, और हमारा शरीर चलता है भोजन से, और अगर तुम मरा हुआ भोजन खाओगे तो वह तुम्हें ऊर्जा कैसे दे। मरे हुए भोजन का अर्थ यह है कि ऐसा भोजन जो व्यक्ति अपने सिर्फ स्वाद के लिए खाता है, जिससे शरीर का उचित विकास नहीं होता, जैसे कि मिठाइयाँ, पिज्ज़ा, बर्गर इत्यादि। इसलिए भोजन ऐसा करो जो तुम्हारे भीतर ऊर्जा पैदा करे, ना कि आलस, जैसे कि फल और घर का सादा भोजन इत्यादि। फिर वह लड़का महात्मा से पूछता है कि महात्मन मैं शुरुआत कैसे करूं। महात्मा जी कहते हैं कि शुरुआत करो एक बड़ा लक्ष्य निर्धारित करके, यानी एक बड़ा लक्ष्य बनाओ। तुम्हारा लक्ष्य केवल कहने के लिए बड़ा नहीं होना चाहिए, बल्कि उस लक्ष्य के साथ तुम्हारी भावनाएं जुड़ी होनी चाहिए। अगर तुम्हारा लक्ष्य ऐसा है जिसके बारे में सोचकर तुम्हारी आंखों में आंसू आ जाते हैं तो तुम्हें और कुछ करने की ज़रूरत नहीं, फिर तुम्हारा लक्ष्य तुमसे सब कुछ करवा देगा। और अगर लक्ष्य इतना बड़ा नहीं है या तुम्हारी भावना से जुड़ा हुआ नहीं है तो फिर अपने लक्ष्य को खोजना ही अपना लक्ष्य बना लो, जिस प्रकार भगवान गौतम बुद्ध ने किया था। उन्हें पहले अपना लक्ष्य थोड़ी ही पता था कि वहाँ मंजिल मिल जाएगी, वे तो सिर्फ निकल पड़े थे। आशा थी मन में लेकिन वह टूटने भी लगी थी, लेकिन अंदर से प्यास इतनी गहरी थी कि लक्ष्य को पाकर ही रहे। जब तक तुम्हें यह पता नहीं चलता कि तुम्हारा लक्ष्य क्या है तब तक तुम अपने मन को मूर्ख बनाते रहो, जैसे वह तुम्हें बना रहा था। कोई भी व्यक्ति शराबी नहीं बनना चाहता, लेकिन उसका मन उसे मूर्ख बनाकर उसे शराबी बना देता है। कोई भी व्यक्ति चोर नहीं बनना चाहता, लेकिन यह मन उसे बार बार मूर्ख बनाकर उसे चोर बना देता है। एक बात को हमेशा याद रखना कि जब तक तुम बुद्धि से उठकर बुद्ध नहीं हो जाते तब तक तुम्हारे पास केवल दो विकल्प है, या तो तुम अपने मन द्वारा मूर्ख बनो या फिर तुम इसे मूर्ख बनाओ, और बीच का कोई रास्ता नहीं है। अगर तुमने अपने मन को मूर्ख बनाना बंद कर दिया तो यह मन तुम्हें मूर्ख बनाना शुरू कर देगा। फिर वह लड़का कहता है कि यह तो आसान है, मन को मूर्ख बनाया जा सकता है,
वे महात्मा मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि यह आसान भी तुम्हारे मन को ही लग रहा है। यह मन कब और कैसे चाल चलेगा उसके लिए तुम्हें जागरूक रहना पड़ेगा। अपने जागरूकता को बढ़ाओ और जागरूक व्यक्तियों के साथ रहो या फिर अपने खुद के साथ समय बिताओ। अगर तुम आलसी व्यक्तियों के साथ रहोगे तो तुम भी आलसी बन जाओगे और अगर तुम ऊर्जावान व्यक्तियों के साथ रहोगे तो तुम भी ऊर्जावान बनोगे। फिर वह लड़का महात्मा जी से कहता है कि मुझे अपने मन को मूर्ख बनाना अभी और इसी वक्त शुरू कर देना चाहिए। महात्मा जी कहते हैं कि हाँ सही कहा तुमने, सही समय की प्रतीक्षा करना भी इसी मन की एक चाल है, इसलिए अभी और इसी वक्त काम पर लग जाओ। दोस्तों जो लोग भी यह वीडियो देख रहे हैं क्या आप भी सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं या फिर इसी समय को सही बनाने का ठान चुके हैं, यह हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी, इससे आपको क्या सीखने को मिला कमेंट में बताएं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक